हेलो एवरीवन, आई एम मीनू माथुर फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर टू बीरबल इन एक्साइल क्लास सेकंड के लिए पार्ट टू। इससे पहले हमने पढ़ा था कि अकबर के कोर्ट में एक टीचर आया था अपने दो स्टूडेंट्स के साथ में और उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। फिर उसके बाद में जो राजा था अकबर, उसने कहा कि इनसे आप इनका टेस्ट लो। उसके बाद में क्या हुआ देखते हैं। मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कैसे इनका टेस्ट लेंगे टीचर का। द मिनिस्टर्स स्टार्टेड आस्किंग हिम क्वेश्चंस। मिनिस्टर्स जो थे उन्होंने उससे क्वेश्चंस पूछना शुरू किया। किससे? टीचर से। एंड ही आंसर दैट सेंसिबली। और जो टीचर था उसने बहुत ही अच्छे तरीके से सेंसिबली मीन्स इन ए वाइज मैनर एक बुद्धिमानी वाले तरीके से उसने आंसर देना शुरू किया। किसने आंसर देना शुरू किया? उस टीचर ने जो टीचर आया था अकबर के कोर्ट में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा था मिनिस्टर ने, जो मिनिस्टर जो थे वो टेस्ट लेने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा वो क्या था? ये पूछा था कि हु इज द ग्रेटेस्ट किंग ऑन अर्थ। कि ये बताओ कि हु इज द ग्रेटेस्ट किंग ऑन अर्थ, कि अर्थ पर हमारे पृथ्वी पर सबसे बड़ा राजा कौन है। हु इज द ग्रेटेस्ट किंग ऑन अर्थ ये पूछा था। तो आंसर दिया कि एम्परर अकबर ऑफ कोर्स। टीचर ने आंसर दिया कि ऑफ कोर्स एम्परर अकबर जो है राजा अकबर हैं वो ही सबसे बड़े राजा हैं, वो ही ग्रेटेस्ट किंग है ऑन अर्थ पर। तो पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था उसका ये आंसर मिला कि एम्परर अकबर ही सबसे बड़े राजा हैं। वॉट इज द सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं अब। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है मिस्टर ने कि वॉट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल साउंड, ये बताओ कि सबसे ज़्यादा सुंदर आवाज़ कौन सी है। तो आंसर मिला ए बेबीज लॉफ्टर, कि एक बच्चे की जो हंसी है वो ही सबसे सुंदर आवाज़ है। वॉट ट्रेवल्स फास्टर देन द विंड, उसके बाद में पूछा कि ये बताओ कि हवा से भी तेज कौन चलता है, हवा से भी तेज स्पीड किसकी होती है। थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि हवा से भी तेज स्पीड किसकी होती है, तो आंसर मिला लाइट, कि लाइट की जो स्पीड होती है वो हवा से भी तेज होती है, विंड से भी तेज होती है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वॉट इज द स्वीटेस्ट थिंग ऑन अर्थ। ऑन अर्थ कि सबसे मीठी चीज़ स्वीटेस्ट थिंग ऑन अर्थ कौन सी है। आंसर मिला है हनी, टीचर ने आंसर दिया हनी कि शहद जो है वो सबसे ही मीठी चीज़ है। नाउ इट वॉज अकबर्स टर्न टू क्वेश्चन हिम, अब अकबर का टर्न था क्वेश्चन करने के लिए। मिनिस्टर ने तो ये क्वेश्चन पूछ लिए थे, अब टर्न था कि अकबर जो है वो क्वेश्चन पूछे। अकबर ने क्वेश्चन पूछा है कि हु और व्हाट इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द किंग, कि ये बताओ कि कौन और क्या है मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द किंग, कि राजा का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन सा है। अकबर ने पूछा था कि हु इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द किंग, कि राजा का सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन कौन है। तब जो टीचर थे उन्होंने आंसर दिया कि हिज बैड टेम्पर, कि उसका उनका जो बुरा स्वभाव, टेम्पर मीन्स होता है स्वभाव नेचर, कि राजा का यदि बुरा स्वभाव है गुस्से वाला है तो वो ही क्या है उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अकबर वाज हैप्पी विद द टीचर्स आंसर्स, अकबर जो था वो हैप्पी हो गया, खुश हो गया टीचर के आंसर से। एंड डिसाइडेड टू मेक हिम अ मिनिस्टर इन हिज स्कूल, और उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपने दरबार में अपने कोर्ट में उसको उनको क्या बना लेगा, मिनिस्टर बना लेगा। हाउएवर अकबर वांटेड टू टेस्ट हिम विथ वन लास्ट क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अकबर ये सोच रहा था कि अभी वो जो था वो सेटिस्फाई नहीं हुआ था, वो सोच में ये डूबा हुआ था कि इससे एक क्वेश्चन तो और पूछना चाहिए। तो अकबर जो था उसने एक क्वेश्चन और किया, अकबर वांटेड टू टेस्ट हिम विथ वन लास्ट क्वेश्चन, उसको एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना था। उसने पूछा कि कैन यू परफॉर्म मिरेकल्स, उसने कहा कि क्या तुम कोई सरप्राइज बता सकते हो क्या, क्या तुम कोई जादू जैसी चीज़ बता सकते हो क्या। अकबर आस्क्ड, अकबर ने कहा व्हाई नॉट,
कि क्यों नहीं बता सकता? रिप्लाइड द टीचर, ये किसने कहा? व्हाई नॉट, ये किसने कहा? टीचर ने कहा कि क्यों नहीं बता सकता मैं। देन सर, कैन यू ब्रिंग बैक माई मिनिस्टर? बीरबल तो यही चाहता था कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले। देन सर, कैन यू ब्रिंग बैक माई मिनिस्टर? बीरबल, अकबर ने क्वेश्चन कर लिया कि यदि आप कोई मिरेकल दिखा सकते हो, कोई सरप्राइज या कोई जादू बता सकते हो, तब क्या आप मेरा जो मिनिस्टर बीरबल था उसको वापस ला सकते हो क्या? यस ऑफ कोर्स, कि हाँ ऑफ कोर्स मैं ला सकता हूँ। ये किसने आंसर दिया? बीरबल ने आंसर दिया। किसको दिया? अकबर को। कहा कि दैट इज़ वेरी इजी। ही सेज दैट इज़ वेरी इजी, कि ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ ही द टीचर पुल्ड ऑफ हिज बियर्ड। टीचर जो था उसने क्या लगा रखा था? नकली दाढ़ी लगा रखी थी, बियर्ड हिज दाढ़ी एंड हेयर, और हेयर भी लगा रखे थे। द ही क्विकली रिमूव हिज शैबी क्लोज, और उसने क्या किया? जल्दी से अपने जो गंदे शैबी क्लोज थे उनको जल्दी से ही रिमूव कर दिया, हटा दिया। जब उसने अपनी दाढ़ी निकाल दी और अपने हेयर जो नकली उसने लगा रखे थे वो भी हटा दिए, आफ्टर दैट देखो क्या हुआ? एंड लुक हु वाज स्टैंडिंग देयर। अब देखो जो वो नकली दाढ़ी और हेयर लगा के आया था, अब देखते हैं कि उसके बाद में कौन खड़ा था वहाँ पे। इट वाज बीरबल हिमसेल्फ, ये बीरबल खुद ही था जो कि टीचर बन करके आया था, क्योंकि वो चाहता था, उसने अपनी बुद्धिमानी जो थी उसका परिचय दिया था, और वो भेष बदल करके बीरबल खुद ही आ गया था। एम्परर अकबर वाज सरप्राइज। अब उसने ये लास्ट क्वेश्चन यही कहा था ना कि क्या तुम कोई जादू दिखा सकते हो क्या, और जो बीरबल था उसने अकबर को अपना मिरेकल दिखा दिया था, कि एम्परर अकबर वाज सरप्राइज। अब जो एम्परर अकबर थे वो क्या हो गए? सरप्राइज हो गए। ही वॉज वेरी प्लीज्ड टू हैव बीरबल बैक इन द पैलेस, और अकबर जो थे वो प्लीज मीन्स खुश हुए। टू हैव बीरबल बैक इन द पैलेस, बैक मीन्स वापस, पैलेस मीन्स महल, और महल में वापस जब ये आ गए थे बीरबल, तो उनको देख करके अकबर जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। ये आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स।